हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग हर कोई अच्छे हैं, खुश है, घर पे सही सलामत है। सो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। ऑफिस का काम ऑलरेडी हो गया है और मैं और छोटा भाई जा रहे हैं बाजार। क्या किस लिए मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा थर्सडे, सो आप सभी को ओम साई राम। मे साई बाबा ब्लेस मी एंड यू एंड एवरीवन इन दिस अर्थ। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। इसी नोट के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग टुडे। चलो हम लोग बाजार जा रहे हो और ऊपर मेरी कोलू बैठी है। मैं कोलू को दिखाती हूँ आपको। नींद आया। तो हाँ जी, मैं निकल गई हूँ अब बाजार जाने के लिए। और हमारा मतलब आज का ये प्लान था कि एक शॉप में जाना है और शॉप से कुछ खरीदना है। वो कौन सा शॉप है वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। आज जाते जाते मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। हम जब ज़मीन लेने के लिए सोच रहे थे, हम एक्चुअली जब छोटे थे तभी से मेरी मम्मी ज़मीन लेना है ऐसा मम्मी का एक ये था कि प्लान था कि एक ज़मीन लेके खुद का एक घर बनाना है। तो मम्मी बहुत दिन से ज़मीन देख रही थी। तो हम जब बहुत छोटे थे तो मम्मी ने जोड़ा कैनल के वहाँ पे मम्मी ने ज़मीन देखा था। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कौन सा जगह था वो। तो वो उस जगह पे अब सुनामी का पानी है। उसके बाद हमने छोलदारी में और एक जगह पे देखा था, वो जगह भी थोड़ा बहुत पानी में तब मतलब इफ़ेक्ट हो ही गया था सुनामी के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। और लगने का क्या है, ये मुझे जीता जागता मतलब लाइफ एग्जाम्पल ही मिला है लाइफ में। तो ये देखो, ये जगह पे हमने पहले एक बार सोचा था कि हम ज़मीन लेंगे और वहीं पे बाद में पानी से इफ़ेक्ट हो गया था। और जब यहाँ से मैं क्रॉस हो रही थी मुझे वो बात ही रियलाइज़ हुआ। एंड थोड़ी देर में मुझे मंदिर दिखा काली माँ का। तो मैं माँ को वही थैंक्स बोल रही थी कि माँ आपने जो 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 दिया और जो भी सारे मुझे लाइफ में आपने लेसन दिया, बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम इंसानों को ना उस वक्त में जब हमारे साथ कुछ बुरा वक्त बीतता है हमें समझ नहीं आता है, हम क्वेश्चन करते हैं, हम भगवान पे मतलब वो ट्रस्ट पे थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन बाद में अब जब आप देखोगे आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको पता लगेगा कि थैंक यू वो हुआ आपके साथ। तो यही है। और आज रामनवमी के दिन मैं ये सब बहुत पता नहीं क्यों सोच रही थी इस दिन पे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा मैं आपसे भी ये शेयर करूँगी। जब ये माइंड में मेरे थॉट आया तभी मैंने सोचा था कि मैं ये पक्का मैं ब्लॉग में बोलूँगी। और हाँ, साथ में ना मुझे आपको वीर सावरकर एयरपोर्ट जो बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपको दिखाना था। मैं हमेशा जब क्रॉस होती हूँ तभी मैं सोचती हूँ कि ये भी मैं कैप्चर करके आपको मैं दिखाऊँगी। तो अभी आपको थोड़ी देर में ही दिखेगा। ये VKV स्कूल था वैसे, जिसमें कि मेरा भाई पढ़ा है। तो ये देखिए, ये है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कुछ ही दिनों में इसका इनॉग्रेशन होगा। बहुत बड़ा लोकेशन पे है, मतलब बहुत बड़ा एरिया पे है। और थोड़ी देर जाते ही जैसे ही हम डेयरी फार्म का चढ़ाई उतरे वहीं पे हमें देखा कि रामनवमी का जो रैली निकल रहा है वो। तो ये देखिए, बहुत लंबी एक्चुअली रैली थी। और बस एक रैली नहीं थी, बहुत ऐसा बहुत सारा था जो कि आपको व्लॉग में थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। मैं पहली बार ऐसा रैली देखी। वैसे पिछले दफ़ा इस तरफ में हम लोग जब आए थे, जब घर पे हम शिफ्ट हुए थे तब हुआ था, तो इसीलिए मैं तब उतना अच्छे से देख नहीं पाई। लेकिन इस बार मतलब 2023 में पहली बार है जिसमें कि मैंने लाइव 3-4 रैली ऐसा जाते हुए देखा। और बहुत एनर्जी के साथ वो जा रहे थे तो देख के सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत सारा शुभकामनाएं। आपने क्या क्या किया और आप कैसे सेलिब्रेट करते हो इस दिन को, प्लीज़ मुझे बताना। वैसे हमारे घर में तो ऐसा बड़ा पूजा नहीं होता, जैसे नॉर्मल पूजा होता है वैसा ही बस घर पे ही पूजा होता है। लेकिन हाँ, शिरडी में इस दिन बहुत बड़ी से पूजा होता है, मुझे पता है। साईं बाबा के बुक में भी इस दिन के बारे में बताया गया है। और साथ में इस दिन रामनवमी के दिन मैं एक बार बैंगलोर में थी और बैंगलोर में जो मंदिर में मैं जाती थी हमेशा, उस मंदिर पे इस दिन बहुत बड़ा से पूजा हुआ था। और वहाँ पे मैं मध्याह्न आरती तब अटेंड करी थी। वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिवाइन था। अभी भी याद आने से मुझे ऐसा लगता है कि उस साईं बाबा के मंदिर से ही मुझे बहुत कुछ मिला। मतलब बैंगलोर का साईं बाबा का मंदिर और स्पेशली रामनवमी के दिन, मुझे पता नहीं क्यों अचानक से एक बार मैसेज आया था कि साईं बाबा के रामनवमी के दिन तुमको एक बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा। एंड तभी मेरे जो करंट जॉब है उसका मतलब उसी दौरान मुझे इस करंट जॉब के बारे में पता चला था।
रामनवमी इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे लिए तो हर दिन ही स्पेशल है, लेकिन हाँ साईं बाबा से अगर कोई भी दिन जुड़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गोलघर तक हमें 2 से 3 रैली दिख गया था एंड जैसे ही हम बडीन बाज़ार पहुँचे वहाँ पे हमें और एक बहुत लंबी रैली दिखी है, तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, मतलब अप्रॉक्स आधा से 45 मिनट ये यहाँ से क्रॉस हुए और बहुत अच्छा लगा, मतलब बजरंगबली, जय सिया राम एंड तीनों, मतलब राम लखन सीता का, मतलब एक 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 स्लोगन बोलते बोलते गए, बहुत बहुत मज़ा लगा। मैंने पहली बार देखा तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई मस्ट से दैट। तो मैं एक्चुअली लुलू में गई थी, जो बाज़ार में अबडीन बाज़ार में लुलू शॉप है वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे कुछ देखने के बाद जैसे मैं उतरी, मैं जूस पीने के लिए जा रही थी तभी मुझे दिख गए थे ये रैली, तो मैं खड़ी हो गई यहाँ पे देखने के लिए। और उनके हाथ में जो फ्लैग है उनमें से, मतलब उनमें जो आप बजरंगबली का फ़ोटो फेस का जो पिक्चर दिया है वो कितना पावरफुल है, देखने से ऐसा लगता है कि उसमें से एक पॉजिटिव फीलिंग आप पे आ रही है। तो लोग ना बहुत एंजॉय करके फिर जा रहे थे, देखो कितने मतलब मज़े से डांस कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट सेलिब्रेशन करके वो जा रहे हैं। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जब वहाँ पे खड़ी थी एक एम्बुलेंस आया था, तो इन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली जगह दिया एम्बुलेंस जाने के लिए। इवन एक पर्सन जो कि फिज़िकली डिजेबल थे, वो जब क्रॉस होना चाह रहे थे रोड को, उन्होंने सब रोक लिया गाड़ी एंड उनको क्रॉस होने दिया, उसके बाद ही वो आगे गए। तो ये सब देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो सच में कुछ भी करे वो, हम लोग रैली करो, कोई भी सेलिब्रेशन करो, लेकिन यस दूसरों को जब उसमें इफेक्ट नहीं होता है, अगर कोई भी नीडी पर्सन है तो सच में उनके लिए और भी रेस्पेक्ट जाग जाता है। सो आई ट्रूली रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो क्योंकि मैं फास्ट में थी तो मम्मी ने भाई को बता ही दिया था कि दीदी को कुछ जूस पिला कर ले आना, तो इसीलिए भाई मुझे ले गया जो बाज़ार में जो मेट्रो जूस सेंटर है ना, ऐसे कुछ नाम है, वहाँ पे मैं चली गई थी। तो वहाँ पे मुझे मैंगो नहीं मिला तो मैंने वाटरमेलन ले लिया एंड देन आई, तो मतलब वहाँ से निकली तो देखी कि अभी भी रैली जा रहा है। मैंने कहा ना 45 मिनट तक मिनिमम चला, मे बी उससे भी ज़्यादा चला होगा, मुझे उतना याद नहीं। ये देखो, ये हनुमान जी के फेस का फ़ोटो के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। तो हम फिर से चले गए थे लुलू में ही, क्योंकि हमें जो सामान चाहिए था हमें लगा कि फिर से जाते हैं, एंड सैडली हमें फिर से जो चाहिए था वो नहीं मिला। मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्या चाहिए था क्या नहीं, बाद में बताऊँगी जब हमें मिल जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ स्टैचू मुझे दिखा जो कि मुझे अच्छा लगा, बट यस कॉस्ट थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा। अगर मैं बाहर से कंपेयर करूँ तो मैंने ये लिया नहीं। ऑलरेडी मुझे एक बुद्धा का एक चाहिए मेरे घर के लिए, और हनुमान जी का एक एक मूर्ति भी, मतलब उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ से हम चले आए एंड देन अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। एंड मैंने कहा था ना रोड क्रॉसिंग के वक्त एक डिजेबल पर्सन थे, अभी आपको वो दिख जाएंगे। तो और एक बात बता दूँ, ये जो सारे रैली है ना, ये एक्चुअली ITF ग्राउंड के वहाँ पे उनका पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे वो जा रहे थे, और हम एक्चुअली जाने वाले हैं अभी फिर से हमारे घर की तरफ। तो हम एक्चुअली घूम के भी जाएंगे क्योंकि हम धनी खड़ी जाएंगे, और अगर हम फंस गए तो हमें लेट हो जाएगा, और कोला पिक भी घर पर अकेले हैं। तो हम ये स्टेडियम वाला रोड से LG बंगलो के साइड से दूसरी तरफ से हम गए, और मैं बहुत दिनों के बाद इस रोड पे आई थी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बड़ा भाई होने से मैं रिक्वेस्ट करती कि उस तरफ से घुमा लाओ, लेकिन छोटा भाई था बोल के मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे छोटे भाई को ना घूमना फिरना इतना अच्छा नहीं लगता है। इज़ लाइक जो काम है उसके लिए जाओ, काम करो और रिटर्न चले आओ, वो
घुमक्कड़ नहीं है जैसे मेरा बड़ा भाई है। वैसे आपको पता ही होगा बड़ा भाई घुमक्कड़ है, इसीलिए तो उज़्बेकिस्तान में जाके घूम रहा है। सो मैंने आपको ऐसे रामनवमी का विश तो किया ही नहीं है। तो हम आज गए थे बाजार जैसे कि आपने देखा, और वहाँ से हम आ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं नवमी की पूजा में, मैं और छोटा भाई जा रहे हैं क्योंकि नानी और मम्मी नहीं जा रहे हाँ छोटा भाई जा रहे क्योंकि नानी और मम्मी नहीं जा रहे। हाउ लेम, नानी और मम्मी नहीं जा रहे, इसका रीज़न ये है नानी का तबीयत उतना सही नहीं लग रहा है, नानी को अकेली छोड़कर मम्मी नहीं जाएगी। सो इसलिए मैं और छोटा भाई निकल रहे हैं, यही पे वंडूर में पूजा हो रहा है। कल हम गए थे हसमानाबाद, आज हम जा रहे हैं वंडूर पे, तो चलो जाते हैं। एंड यस, चैत्र नवरात्रि का आज है लास्ट डे। ये नवरात्रि हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत कुछ हुआ। जैसे क्या क्या बताऊँ, काउंट क्या क्या करूँ बताऊँ। ऐसे कि ये इस बार मैंने नवरात्रि का फास्ट रखा, कन्या पूजा किया, माँ ने मुझे फास्ट रखने के लिए दिया, रानी साहिबा घर आई, और छोटे 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 चीज से तो अच्छी बड़ी खुशियाँ बनती है। सो यस दैट्स ऑल, अभी हम लोग जाएंगे बाहर, मतलब मैं और छोटा भाई चले जाते हैं। तो वंडूर बीच में जो पूजा हो रही है, इस बारे में मुझे सिद्धू ने भी बताया था, और साथ में पूनम दीदी जो हमारी घर में आई थी उन्होंने भी बताया था। तो हम उसी के तरफ जा रहे हैं, और देखिए वंडूर बीच जैसे हम पहुंचते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैंग्रोव दिखना शुरू हो जाता है ना, वहीं पे मैंग्रोव के ऊपर मतलब समुंदर के बीचों बीच में लाइटिंग किया हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था ना। और ये लाइटिंग देखने से ही ना मुझे ऐसा पूजा फील लग जाता है, वो कहीं का भी हो, और स्पेशली गांव में ऐसा बहुत दूर से शुरू हो जाता लाइटिंग तो बहुत मज़ा आता है। और मैं पहले कभी बासुंती पूजों में मैं वंडूर नहीं आई हूँ। वंडूर में एक दफ़ा मैं जब बहुत छोटी थी तब दुर्गा पूजा में मैं आई थी, वो भी इस तरफ में नहीं था शायद, मुझे याद भी नहीं कौन सा तरफ था। तो यहाँ पे जो बाज़ार है वहीं पे एक्चुअली पूजा हो रही थी, बीच में भी नहीं, बाज़ार जहाँ पे खाने पीने का कुछ दुकान है। हमें एक्चुअली पता नहीं था तो हम आगे जा रहे थे, तो बाद में देखा कि यहीं पे हो रही है, और यहीं पे कीर्तन भी लगा हुआ था। तो अभी आपको दिख जाएगा, ये जो चेयर रखा है ना इसी पे लोग बैठ के कीर्तन सुन रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। बाद में हम नानी को लेके एक दिन आए थे। माँ तो माँ है, माँ को आप जब देखोगे तभी आपको ऐसा लग जाएगा कि अरे सब कुछ सही है मेरा लाइफ में। तो मैं तो यहीं पे खड़े खड़े उनको देख रही थी। आज हमें आरती देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, नवमी जो कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उस दिन का मैंने आरती देख लिया था, तो कोई बात नहीं। माँ आपने मुझे अपना दर्शन करवाया नवमी के दिन में, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये पंडाल कुछ ऐसा बना हुआ है, बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी है, एंड यहाँ का जो माँ का फेस है ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। यहाँ पे मैं प्रसाद लेने जाती हूँ, और मैं देखती हूँ कि चाल प्रसाद है, वैसे मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं लेकर मैंने भाई को दिया था, अगर फल भी टच नहीं होता चावल से तो भी मैं खा लेती, मैंने नहीं खाया, और भाई को जाकर दे दिया। प्रसाद में कुछ फल दिया हुआ था जैसे गन्ना, एप्पल एंड कुकुम्बर, चाल प्रसाद सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन चाल प्रसाद कुछ ज़्यादा ही यम्मी होता है। मैं बचपन में मम्मी को कहती थी मम्मी पूजा देना है मुझे, मम्मी कहती क्यों, मैं कहती थी कि चाल प्रसाद खाने के लिए, तो मेरा चाल प्रसाद के साथ कुछ ऐसा ही रिलेशन है। और मम्मी तभी तभी मुझे डांटती थी, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान जी का प्रसाद को खाने के लिए कोई हम पूजा नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम सबके अंदर ही तो भगवान है ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें। तो यहाँ पे मैं इस बच्चे को देख रही थी ना, मतलब ढाक बजा रहे थे, तो मैं बोल रही थी बजाओ बजाओ, तो वो शर्मा रहे थे। तो यहाँ पे ना अभी मेला की इस तरफ आ गई, यहाँ पे मेला रोड के ऑपोजिट में है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे शॉप है खिलौने का, ऐसी स्टेशनरी शॉप, एंड दूसरे साइड पे खाने का है। खाने की तरफ मैं नहीं गई थी, वहाँ पे वैसा ही कुछ होगा, एग रोल, जलेबी, बिरयानी, वो सब जो रहता है नॉर्मल इसमें। और मुझे हर जगह पे ना पूजा पे एक ऐसा एक स्ट्रक्चर का दिखता है,
आई रियली डोंट नो मतलब इसका मीनिंग क्या है या फिर क्यों बनाते हैं, अगर आप में से किसी को पता होगा मुझे बताना। अभी हम जा रहे घर के तरफ, यहाँ पे मैं खड़े खड़े थोड़ा सा सुन रही थी कि कौन सा कीर्तन गा रहे थे, और उसके बाद ये सब सुनने के बाद हम लोग चले आए घर। बहुत अच्छा लगा माँ, मैं मम्मी के दर्शन के लिए, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी प्यारी, प्यारी माँ। मेरा क्लास ख़त्म हुआ है, आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो स्टूडेंट मेरी थी, शी वॉज सो हैप्पी डूइंग द क्लास। सो आज मुझे समझ आया कि मेरे टीचर्स जब कहते थे कि आपका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट, तो वैसा ही डी टू। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, 11 बज रहा है अभी, मैंने थोड़ा कोला फिफी के साथ खेला, अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाके मुझे पारायण करना है, पारायण आज 9वां दिन है, 9th डे का लास्ट दिन करूँगी और कल से ख़त्म हो जाएगा। और मैं रात को इसीलिए करी क्योंकि पूरा दिन वक्त नहीं मिला मुझे, सच्ची आज नहीं मिला वक्त, एंड अभी जाके मुझे वक्त मिला है। और 11:20 को नवमी ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू देवी माँ, तारा माँ, कि मैं ये नवरात्रि का फास्ट रख पाई, एंड जो मैंने सोचा था मैं पारायण करूँगी वो मैं कर पाई। सबका भला हो माँ, सबको बहुत ज़्यादा प्यार और ब्लेसिंग बांटे। ओके, तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, एंड यस आई एम कमिंग टुमारो विद अ न्यू व्लॉग, यस यस यस, फ्राइडे व्लॉग।